गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी विल डिस्कस द गेस्ट पेपर ऑफ जूलॉजी फॉर बीजी फोर्थ सेमेस्टर। द पेपर इज फंडामेंटल्स ऑफ इम्यूनोलॉजी। बिफोर डिस्कसिंग द गेस्ट पेपर वंस अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू काइंडली सब्सक्राइब एज वेल एज शेयर दिस चैनल। सो वी हैव अ गेस्ट पेपर ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ इम्यूनोलॉजी जूलॉजी फोर्थ सेम के लिए। अगर हम देखें डायरेक्ट चार यूनिट से, इसमें हर किसी यूनिट में अलग तरीके से क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट यूनिट की अगर हम बात करेंगे, यूनिट फर्स्ट में डायरेक्ट आ जाएगा आपका क्वेश्चन वैक्सीन्स क्या होती है। ठीक है, वैक्सीन्स के बारे में आपको बात करनी है, इनकी इंपॉर्टेंस वगैरह वैक्सीन्स पे फोकस करना। दूसरा, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं। सो वी हैव प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड लास्ट क्वेश्चन विल बी एंटीजन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट पे भी फोकस करना है। बी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, सो फर्स्ट यूनिट में इतना काफी है। कमिंग टू सेकंड यूनिट, अगर हम सेकंड यूनिट की बात करेंगे, डायरेक्ट आ जाएगा आपका क्वेश्चन स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। सेकेंड यूनिट स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, एस्पेशली आपका बनता है IgA, IgG। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें से है कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। Components of complement system, especially MHC molecule, MHC molecule। तो दूसरा यूनिट भी हमारा कंप्लीट हो गया। कमिंग टू थर्ड यूनिट, अगर हम थर्ड यूनिट की बात करेंगे, उसमें से आपका बन जाएगा क्वेश्चन ट्यूमर इम्यूनो डिफिशंसी, इम्यूनोथेरेपी, सॉरी यूनिट थर्ड ट्यूमर इम्यूनोथेरेपी। एंटीजन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक। ओके, दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा दैट विल बी एड्स। थर्ड क्वेश्चन विल बी स्टेम सेल्स, एस्पेशली एग्जाम्पल देनी है टोटिपोटेंट। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन विल बी ट्यूमर एस्केपिंग मैकेनिज्म, ट्यूमर एस्केपिंग मैकेनिज्म। तो इस यूनिट में इतना काफ़ी है। अगर हम लास्ट यूनिट की बात करेंगे, फोर्थ यूनिट की हम बात करेंगे, उसमें से डायरेक्ट आ जाएगा क्वेश्चन मैकेनिज्म ऑफ टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, सो वी हैव यूनिट फोर मैकेनिज्म ऑफ टाइप वन। टाइप टू पे भी थोड़ा ख्याल रखना है, वन जरूरी नहीं है, टू पे भी देख लेना है थोड़ा बहुत, लेकिन टाइप वन ज्यादा है हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, दूसरा इसमें से बन जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन रिह्युमेटाइड आर्थराइट। एंड थर्ड क्वेश्चन विल बी टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गेस्ट पेपर ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ इम्यूनोलॉजी फॉर बीजी फोर्थ सेमेस्टर। होपफुली यू विल गेट गुड मार्क्स फ्रॉम दिस वेरी गेस्ट। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।